समाजवादी पार्टी पर बीजेपी के आतंकवाद वाले हमले के बाद अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। वहीं केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने साइकिल और आतंकवाद को जोड़कर उन करोड़ों लोगों का अपमान किया है जो साइकिल चलाते हैं। रायबरेली की एक जनसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो कोई सफाई नहीं देंगे, ये जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है कि मामले की तहकीकात करें। मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं, उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूँ, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूँ। इधर लखनऊ पहुंचे केजरीवाल ने पीएम मोदी के साइकिल और आतंकवाद पर दिए गए बयान पर हमला बोला। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है, गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। उधर सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि उनकी जीत के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है। क्या तैयारी और क्या रिस्पांस मिल रहा है? आज तो मैं खाली अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, इनसे मिलने आया हूँ, इन्हीं की दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का संगठन भारतीय जनता पार्टी सरोजनी नगर से 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत रही है। तो भाजपा का ही चयन आपने क्यों किया? देखिए, भाजपा के साथ दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रप्रथम की है। अचानक से दिल्ली से आए और फिर सीधे सरोजनी नगर? नहीं, देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, सुल्तानपुर या बलिया या लखनऊ या गाजियाबाद, जो सब कहते रहे सब बातें गलत है। पार्टी ने जो निर्णय लिया, ऑर्गेनाइजेशन आदमी से बड़ा होता है, पार्टी ने मुझे यहाँ के लिए उपयुक्त पाया। उधर तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब यूपी में चौथे चरण का घमासान शुरू हो चुका है। चौथे चरण के मतदान में 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। 3 फेज तो हो गए, अब चौथे की तैयारी है। चौथे फेज में यूपी के 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होंगे और आज ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इसलिए इस दंगल के लिए आज कई बड़े चेहरे प्रचार करेंगे। अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, सीएम योगी भी हुंकार भर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आज चुनावी मैदान में हैं। नेता इस चुनाव में इसलिए भी जोर लगा रहे हैं क्योंकि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है और चौथे चरण में कई अहम सीटें हैं। कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजनाथ सिंह का क्षेत्र लखनऊ, स्मृति ईरानी का अमेठी, कौशल किशोर का मोहनलालगंज, अजय मिश्र टेनी का लखीमपुर, इन इलाकों में 21 विधानसभा सीटें हैं। तो ये चरण बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। इस फेज में बीएसपी भी हावी है क्योंकि माना जाता है कि इस इलाके में बीएसपी के साइलेंट वोटर हैं। उधर कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे के गृह मंत्री ने इसे हिजाब विवाद से ना जोड़ने की सलाह दी। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना शिमोगा शहर की है। इस हत्या को हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने फिलहाल इससे इनकार किया है। हिजाब विवाद के बीच चर्चा में रहे मंत्री ईश्वरप्पा ने विशेष समुदाय के लोगों पर ये मर्डर करने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शिमोगा के उपायुक्त आर सिल्वामणि ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की रविवार रात करीब 9 बजे हत्या कर दी गई। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर मैंगलोर में फ्लैग मार्च किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।